का दुकान है। आप बोलिए क्या क्या चीज़ मिल जाती है, क्यों बना रहे हो या आप भी पहले बताओ। ब्लॉग बनाता हूँ। ब्लॉग कहाँ का ब्लॉग? डेली ब्लॉग बनाता हूँ। तो हमारे को क्या फायदा? तुम्हें फायदा नहीं है, मतलब मैं कहाँ कस्टमर का फायदा तुम्हें होगा ना, हमें पैसे दो इस चीज के। हेलो मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 21 मई 2022, टाइम हो रहा है देखो 6:15 और देखो घर पे आरती चल रही है और मैं दर्शन कराता हूँ किसी के आपको आज। ये देखो जय बजरंग बली, शिव जी, गणेश जी, सारे लोगों को मैंने नहा धो के पूजा कर ली है। चाय बन गई थी, चाय भी पी ली है मैंने। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ आगरा। किसके साथ जा रहा हूँ? जो कल राइडर को मैंने साइट सीन कराया था ना दिल्ली में घुमाया था हर जगह, वो उन्हीं को आज फिर घुमाना है दिल्ली में। और दिल्ली घुमाने के बाद फिर छोड़ना है, मथुरा जाना है, मथुरा जाने के बाद फिर आगरा ड्रॉप कर देना है। कितने में जा रहा हूँ और और कहाँ कहाँ जाऊँगा सारा कुछ बताऊँगा इसी वीडियो में। पहले दिल्ली का साइट सीन कराना है, देखते हैं कहाँ कहाँ जाना है। वो पता भी मेरे को बताया नहीं है, ऐसा ही बोला साइट सीन करा के मथुरा जाके फिर आगरा ड्रॉप करना है, ऐसे से बता दिया। तो वीडियो लास्ट तक देखना, दिल्ली में कहाँ कहाँ जाएंगे, मथुरा में कहाँ जाएंगे, वृंदावन में कहाँ जाएंगे, सारा कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस शेड्यूल में कुछ चेंजेस हुआ है। वैसे मैं पर डे शाम को रात को 8, 9, 10, 11 बजे तक वीडियो दे देता था, लेकिन बहुत जल्दी करनी पड़ती थी और शाम को मेरे को 6 बजे अपना मोबाइल बंद करना पड़ता था। ओला ओवर और जो भी इनकम सारी बंद करके मैं एडिटिंग करता था, वीडियो अपलोड करता था, काफ़ी नुकसान होता था। तो मैंने डिसाइड करा काफ़ी लोगों के कहने के बाद में, अब वीडियो हर दिन मॉर्निंग में आपको 8 बजे मिला करेगी। मैं रात में जब भी फ्री रहूँगा तो वीडियो एडिट करूँगा बढ़िया से करके, और जल्दी जल्दी में वीडियो बढ़िया से एडिट नहीं हो पाती है तो बढ़िया से एडिट करके मॉर्निंग में 8 बजे आपको मिल जाएगी। हर दिन मॉर्निंग में 8 बजे, आज की जो अर्निंग है वो आपको कल 8 बजे मिलेगी, कल की अर्निंग परसों मिलेगी, परसों की अर्निंग अगले दिन मिलेगी। ऐसे ही आपको हर दिन की वीडियो अगले दिन 8 बजे मिला करेगी। ये मैंने शेड्यूल चेंज करा है, तो आप बोलूँगा जैसे अब चेंजेस करूँगा बोलने में, बताना कि मेरा जो इंट्रो है, मेरा जो बोलने का तरीका है, कुछ चेंज करूँ या फिर यही ठीक है। कि मतलब यही कहूँगा कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की के ब्लॉग हर दिन मॉर्निंग 8 बजे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ अपने घर से, गो। सो गाइस टाइम हो गया है 7:36 और मैं निकल चुका हूँ दिल्ली के लिए खाली, क्योंकि सुबह जल्दी निकला इस चक्कर में कि कोई ना कोई ड्यूटी मिल जाएगी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या सीपी कनॉट प्लेस या फिर एयरपोर्ट की भी मिल जाती चला जाता, क्योंकि पिकअप है जो आगरा ड्रॉप करने जाऊंगा, दिल्ली साइट सीन कराऊंगा, उनका पिकअप सुबह 8 बजे का पहाड़गंज रेलवे स्टेशन के पास में होटल है वहाँ से है, तो मुझे 8 बजे वहाँ पहुँचना है। तो फिर मैंने सोचा जल्दी निकल के इंदिरापुरम में देख लूँगा कोई ड्यूटी मिल जाएगी। मैंने प्राइम भी खोल ली, मैं प्राइम वैसे चलाता नहीं हूँ, मतलब प्राइम की ड्यूटी भी खोल ली डिजायर गाड़ी की, लेकिन कोई भी बुकिंग नहीं बजी। 7:30 बजे तक इंतजार करता रहा, नहीं बजी, तो 7:20 पे या 7:25 पे निकल गया मैं इंदिरापुरम से दिल्ली के लिए। तो अभी पहुंच गया हूँ अक्षरधाम, अक्षरधाम फ्लाईओवर मेरे सामने है, अक्षरधाम सेतु लिखा हुआ है तो अभी पहुंच गया हूँ अक्षरधाम सेतु के नीचे और जा रहा हूँ सीपी कनॉट प्लेस होते हुए सीधे पहाड़गंज। पहाड़गंज पहुंच जाऊँगा तकरीबन 7:55 पे और 7 या 8 बजे, तो 8 बजे उन्हें फ़ोन कर दूंगा। उन्होंने बोला मार्केट में अंदर आ जाना और ट्रैफिक भी नहीं रहेगा तो अंदर से पिकअप कर लेना, थोड़ा सामान भी है। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, वैसे जाते नहीं है अंदर, लेकिन सुबह मॉर्निंग का टाइम है, ट्रैफिक नहीं रहेगा तो चले जाएंगे अंदर। तो मैं पहुंच जाता हूं 8 बजे तक, फिर उन्हें फ़ोन कर दूंगा कि सर मैं आ गया हूं। जैसे ही उनका फ़ोन आएगा तुरंत पिकअप करने पहुंच जाऊंगा, फिर करवाऊंगा आज भी उनसे इंटरव्यू आपका, और देखेंगे कहां कहां घूमेंगे सारा कुछ बताएंगे। तो मिलते हैं पहाड़गंज पहुंच के। टाइम हो गया 8:30 और मैंने सर को पिकअप कर लिया है। आज के भी राइडर हमारे जो कल राइडर थे वही आज हैं, आज इन्हें फिर दिल्ली घुमाना है। मिलवाता हूँ अपने राइडर से। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? आगरा जा रहे हैं। अभी आगरा जाना है, लेकिन अभी जस्ट अभी कहाँ? अभी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करना पहले सरवना भवन। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम वही सरवना भवन, कल जहाँ पे डिनर करा था, ब्रेकफास्ट ही करा था कल भी ब्रेकफास्ट वहीं पे करा, आज भी ब्रेकफास्ट वहीं करने जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे बिरला मंदिर। सो गाइस इसके बाद पहले जा रहे हैं हम सरवना भवन, ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद जाएंगे बिरला मंदिर। तो मिलते हैं 30 मिनट और हम पहुँच गए बिरला मंदिर। बिरला मंदिर बस कस्टमर देखने गए, बिरला मंदिर देख के आ जाएंगे, फिर जाएंगे रेड फोर्ट के बाद देखते हैं आगे कहाँ का जाना है। फिलहाल यहाँ के बाद जा रहे हैं रेड फोर्ट। तो बिरला मंदिर कुछ इस तरह से है, अंदर काफ़ी लोग साउथ इंडिया से बहुत लोग आते हैं यहाँ देखने, बढ़िया लगता है। बाकी अंदर में कभी गया नहीं, उसके बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। तो बस अभी राइडर आ जाएंगे फिर निकल जाएंगे रेड फोर्ट, फिर मिलते हैं रेड फोर्ट पहुँच। हो गया 10:36 हम पहुँच गए जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की तरफ कहीं गाड़ी खड़ी करने का स्पेस तो होता नहीं है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, तो बाहर ही खड़े होकर कस्टमर सारे जो हमारे राइडर है वो बाहर ही खड़े होकर फोटो वोटो कर रहे हैं। तो इधर ही खड़ा हूँ मैं साइड में, वो फोटो कर रहे हैं।
कोई भी ड्राइवर भाई अगर कोई भी स्पेयर पार्ट सेकंड हैंड चाहिए ना, तो यहाँ पे कार मतलब बाइक का वो कार का बहुत सारा सामान भी मिलता है, इधर मार्केट भी है, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स है ना कार के, वो सारे कुछ मिलते हैं। जो भी ड्राइवर भाई अगर इधर से कुछ भी लेना चाहता है सेकंड हैंड में, वो सारा मिल जाएगा दुकान। बोलिए क्या क्या चीज़ें जो बना रहे हो आप, भी पहले बताओ। ब्लॉग बनाता हूँ। ब्लॉग कहाँ का ब्लॉग? डेली ब्लॉग बनाता हूँ। तो हमारे को क्या फ़ायदा? तुम्हें फायदा नहीं है, मतलब मैं कहाँ कस्टमर का फायदा तुम्हें होगा ना, हमें पैसे दो कुछ इस चीज़ के। तुम्हें किस चीज़ के फायदा? सो गाइस अभी भैया कह रहे हैं पैसे चाहिए इनके लिए, और अगर कुछ चाहिए तो इधर से आ सकते हो। हो गया 10:50 और हम पहुँच गए रेड बोर्ड के सामने। तो रेड बोर्ड के सामने तो गाड़ी खड़ी करने की जगह होती नहीं है, मैंने थोड़े आगे बढ़ा के खड़ी करी है, तो आपको बढ़िया से नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी आपको ये दिख रहा होगा रेड बोर्ड है ना, मैं इसके विंडो के अंदर से दिखा देता हूँ। अब मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिलहाल ऐसा ही है, आपने देखा ही होगा। तो अब उसी के सामने है, राइडर कुछ ज़्यादा घूम नहीं रहे हैं, खाली फ़ोटो वोटो कर रहे हैं। जामा मस्जिद के पास भी फ़ोटो कर लिया, बाहर इधर भी फ़ोटो कर लिया, और बोले यहाँ से निकलना है फटाफट। अब इसके बाद जाएंगे राजघाट, बस यहाँ से राजघाट पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपको राजघाट पर पहुँच के। बस जामा मस्जिद, राजघाट और रेड फोर्ट बिल्कुल 10-10 मिनट की दूरी पर हैं, 2-2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो अभी वो आ जाएंगे, फिर निकल जाएंगे यहाँ से राजघाट। राजघाट पहुँच के मिलता हूँ मैं आपको राजघाट की पार्किंग में। सो गाइस टाइम हो गया 11:10, हम पहुंच गए राजघाट। ये है राजघाट, बाहर बाहर से ही फ़ोटो कर रहे हैं कस्टमर, अंदर नहीं जा रहे हैं कहीं भी। सही है ऐसे, मतलब टाइम भी नहीं लग रहा है, उनका टूर भी हो रहा है, साथ में मैं आपको भी दिखा पा रहा हूँ। तो ये राजघाट है, महात्मा गांधी की यहाँ पे समाधि बनी हुई है, सामने देख पा रहे हो गए आप, बहुत छोटा छोटा दिखता होगा, जूम कर लेता हूँ। कोई नहीं है, ऐसे ही देख लो, नहीं जूम हो रहा है। सामने पूरा गार्डन है, और जो काफ़ी लोगों की है, चौधरी चरण सिंह की है, काफ़ी लोगों की है समाधि, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, कुछ इस तरह का ही है। बाकी राइडर फोटो कर रहे हैं, फ़ोटो वोटो करके आ जाएंगे, फिर निकल जाएंगे यहाँ से। और ये है गांधी दर्शन, आगे वाले गेट से है पार्किंग, उसके सामने है गेट के। सो गाइस ये है गांधी दर्शन, और मेरा गेट खुला हुआ रह गया गाड़ी का। मेरी गाड़ी का गेट खुला हुआ छोड़ दिया मैंने फटाफट। ये गांधी दर्शन है, इसके अंदर चले जाओ, गांधी दर्शन कर लो, कुछ चीज़ें रखी हुई होंगी गांधी जी की। सो गाइस हम मिल रहे हैं, देख रहे हैं अगला स्टॉप कहाँ का रहेगा, जहाँ भी रहेगा बताएंगे आपको कुछ ही देर में। बस गाड़ी मेरी अजीब लग रही है ना, कैरियर हटा दिया मैंने, तो देखो हमारे राइडर वो वहाँ पर फ़ोटो वोटो कर रहे हैं, ये हमारे राइडर ही हैं केवल। बाकी एंट्री इसके बराबर में, इधर से राइट हैंड से दूसरा गेट है अंदर जाने का, तो अंदर जाके ऊपर बहुत बढ़िया लगता है, शाम को तो बहुत बढ़िया लगता है जब मौसम ठंडा होता है। अभी गर्मी में ना थोड़ा सा मतलब लोग बाहर बैठे नहीं है ना पार्क में, वरना लोग बैठे रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं कुछ देर के बाद में अगले स्टॉप पे। 1:35 हम निकल चुके हैं अब मथुरा के लिए, और यहाँ रास्ते में छल्ली दिखी, तो मैंने छल्ली सर को बोला कि छल्ली यहाँ की बहुत टेस्टी होती है, एक बार ट्राई करके देखो। तो सर छल्ली ट्राई कर रहे हैं, अभी सर से पता करेंगे गाड़ी में बैठ के छल्ली कैसी लगी। जो भी बाहर से लोग आते हैं तो उन्हें ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि ये उधर मिलती नहीं ना हर जगह, तो मैंने छल्ली खिलाई है सर के लिए। बाकी अभी गाड़ी में बैठ के पता करूँगा कैसा लगा इसका टेस्ट, काफ़ी लोगों को तो पसंद आती है, देखते हैं सर के लिए पसंद आई है नहीं आई है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, 2 घंटे दिखा रहा है मथुरा का, अब मथुरा पहुँच के मिलेंगे, रास्ते में कहीं रुकेंगे तो मिलेंगे, वरना फिर मथुरा पहुँच के मिलेंगे आपको। कृष्णा जन्मभूमि पर जा रहे हैं सर, उसके बाद आगरा ड्रॉप कर दूँगा शाम तक, फिर देखता हूँ लौटूंगा क्या होगा, जैसा भी होगा। तो अभी गाड़ी में बैठ के मिलते हैं सर से। गाइस बस हमने छल्ली वल्ली फिनिश कर ली है, और अभी सर से पता करते हैं कैसा लगा इन्हें इसका टेस्ट, क्योंकि इनके यहाँ तरफ शायद ये नहीं मिलती होगी, मुझे उम्मीद है, तो मैंने खिलाया। कैसा लगा सर? एकदम बढ़िया। बढ़िया था ना मैम? कैसा लगा? अच्छा था। अच्छा था ना? कैसा था बेटा? अच्छा था। बढ़िया था ना? बढ़िया। सुपर था, सुपर। तो गाइस अभी छल्ली खा लिया, बस दो नहीं खैर 5 मिनट के बाद में हम यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे, फिर डायरेक्ट जा रहे हैं मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि पे जा रहे हैं, उसके बाद वहीं मिलेंगे। रास्ते में कहीं स्टॉप होगा हमारा तो दिखाएंगे, वरना फिर मथुरा पहुँच के मिलेंगे। बाय बाय। Bodies intertwined. You don't need to fall to the call, 'cause they said so. You don't need to fall to the call, 'cause they said so. You don't need to fall to the call, 'cause they said so. You don't need to fall to the call, 'cause they said so.
2:40 और हम पहुंच गए जेवर टोल के पास जो ढाबा है ना सेवा ढाबा वहीं पे। तो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ और मिलते हैं फिर बाद में। बाकी राइडर से मैं बोल रहा हूँ हमारा अलग रहेगा, लेकिन राइडर कह रहे हैं नहीं हमारे साथ ही खाओ। तो राइडर कह रहे हैं हमारे साथ ही खाओगे खाना बिक्की तुम, तो खाते हैं राइडर के साथ में खाना। बाकी ये दिखा रखा है अंदर म्यूजिक बज रहा है कॉपीराइट आ जाएगा, तो ये कई बार दिखा दिया मैंने, तो खाना खाने के बाद मिलते हैं। सुबह से खाना आ चुका है, खाने में दाल है और सूखे आलू सब्जी, चावल चावल तो चढ़ाने के लिए दिए हैं, बाकी 2 रोटी लिए मैंने। और जो हमारे गेस्ट हैं ना वो सामने खाना खा रहे हैं, तो अभी कर लेता हूँ उसे फिनिश, उसके बाद में आपसे मिलता हूँ कुछ ही देर के बाद। खाना हो गया फिनिश और सर खाना खा रहे हैं, बस फटाफट निकल ही जाएंगे 10-15 मिनट में यहाँ से। तो मैं थोड़ा जब तक बाहर टहल लेता हूँ, सर जब तक खाना खा के आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा सेटअप है यहाँ पे, बढ़िया हो रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एरिया ही है, लेकिन बढ़िया बना रखा है ऐसा ही है। बाकी हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए ये सेक्शन है, मैं यहीं पे खा बैठ के खाना खाता, लेकिन वो राइडर नहीं माने, बोले अंदर खाओ खाना, तो अंदर खा लिया मैंने। सही है, टाइम हो गया 4:55, हम पहुंच गए मथुरा। मथुरा पार्किंग में गाड़ी मैंने लगा दी, हमारे राइडर जा रहे हैं उनके साथ घूमने, मैं भी इन्हें मंदिर के गेट तक ले जाऊँगा, फिर मंदिर के गेट तक आपको भी दिखा दूँगा, फिर मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। तो चलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाते हैं। सो गाइस पहुंच गए जन्मभूमि पे, ये है जन्मभूमि का मेन द्वार। क्या नंबर गेट है भैया? ये मैन गेट है, मैन गेट यही है, एक नंबर गेट है। सो गाइस ये है मैन गेट जन्मभूमि का, यहाँ से एंट्री होगी, मोबाइल पर सारा कुछ जमा हो जाता है, सामने क्लॉक रूम है वहाँ पे, वहाँ जमा हो जाएगा और यहाँ से सभी लोग एंट्री कर रहे हैं। ये मैन द्वार है इसका, कुछ इसी तरह का है, मैं जाऊँगा नहीं, बाकी जो हमारे राइडर है वो चले जाएँगे और फिर मैं चला जाऊँगा गाड़ी में रेस्ट करूँगा जाके। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। जन्म कृष्ण जन्मभूमि की मेन द्वार है ये, बाकी अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ, वो लोग चले गए अंदर, तो फिर मैं गाड़ी में थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, वो आएंगे फिर देखते हैं आगे कहाँ जाना है। एक जगह कहीं और जाने को बोल रहे थे, देखो कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे घुमा के बस उसके बाद में आगरा ड्रॉप कर देना है, फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर रुकूँगा या फिर चला जाऊँगा, वो बाद में डिसाइड करूँगा, अभी तो पहले ड्रॉप कर दूँगी। इन्हें ड्रॉप कितनी देर में होगा पता नहीं है फिलहाल, वो टाइम तो काफ़ी हो रहा है, और एक जगह और करेंगे दर्शन करने के बाद फिर आगरा पहुँचेंगे। मिलते हैं अब अगले स्टॉप पे पहुंच के, मैं जाता हूँ गाड़ी तरफ रेस्ट करूँगा गाड़ी में बैठ के, और इधर मार्केट कुछ ऐसी ही है, SBI का ATM भी है। चलते हैं फिर मिलते हैं कुछ ही देर के बाद में। बस मथुरा का पेड़ा बहुत फेमस है, तो मैं एक पेड़े की दुकान पे आया हूँ, पिछली बार भी मैं आया था फैमिली के साथ में तब लेके गया था, तो यहाँ से ले रहा हूँ भैया के यहाँ से। भैया क्या रेट दे रहे हो पेड़ा? 240 रुपये पर केजी है। चलो मैं आधा किलो लिया है मैंने, अभी पैक करा रहे हैं भैया, पैक कर रहे हैं, एक बार टेस्ट तो करवा दो। अब मैंने लस्सी पी ली, मैंने एक लस्सी भी पी ली यहाँ पे, तो अभी पता नहीं कैसा लगेगा थोड़ा थोड़ा, बाकी टेस्ट कर रहा हूँ। पेड़ा ही पेड़ा है इनकी दुकान पर, कुछ नहीं है, और इस पर लिखा है ब्रजवासी पेड़ा वाले हैं मथुरा के। स्वाद ही क्या बताना, यहाँ तो वैसी टेस्टी है, बराबर में ही जन्मभूमि है, तो यहाँ पे पेड़ा तो स्वादिष्ट होगा ही होगा, वैसे स्वाद आ जाता है। तो मैंने लिया 1/2 kg अपने घर ले जाने के लिए, और बाकी राइडर आ रहे हैं पीछे से। राइडर से भी मैंने बोल दिया पेड़ा ले लेना, यहाँ का पेड़ा फेमस है और बहुत ही टेस्टी लगता है, तो भैया मन से बना दें तो बात ही अलग है। भैया पैसे दे दी ना मैंने आपको? ठीक है थैंक यू भैया, बाय बाय बोल दो, बाय बाय। ठीक है थैंक यू भैया। तो मैं ले लिया 1/2 kg पेड़ा घर ले जाने के लिए, अब जा रहा हूँ गाड़ी पे, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा आराम करूँगा, फिर आ जाएंगे फिर निकलेंगे। सो गाइस टाइम हो गया 9:15, हम पहुँच गए हैं आगरा रेड फोर्ट, वो आगरा ताजमहल के पास में ही होटल है अतुल, कौन सा भैया? अतुल्या ताज। सो गाइस अतुल्या ताज में मैंने ड्रॉप कर दिया सर के लिए, अभी मैं सर से पता करता हूँ कि मेरे साथ आज पूरे दिन की जर्नी कैसी रही, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ ट्रैवल में, कैसा लगा मेरे को, तो बहुत मज़ा आया, ऐसी फैमिली मिले तो मज़ा ही आ जाता है। बाकी अब सर से एक बार रिव्यू लेता हूँ मैं, अभी मैम से लेता हूँ। मैम कैसा लगा ट्रैवल करके मेरे साथ? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया ना, लगा सेफ था ना? सर कैसा लगा एक बार थोड़ा सा? बहुत अच्छा लगा, मजा आया ना? बहुत मजा आया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, मजा आया ना? हाँ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। अभी सर से पता करते हैं हम, सर कैसा लगा सर ट्रैवल करके? ये तो सही क्या बोले ना, हमारा फैमिली के बहुत एकदम फैमिली वाला फील आया ना फैमिली लोग ऐसे
और सर सर बोल रहे हैं कि मैं काफ़ी लोगों को, क्योंकि साउथ इंडिया साइड से ना काफ़ी लोग आते हैं, तो कोई जेन्युइन बंदा नहीं मिलता है कि अपना पल फील हो एक इतनी दूर आके। तो वो सब सर ने बोला कि आपके साथ हमें बहुत मज़ा आया और नेक्स्ट टाइम हम कोई और प्लान कर रहे हैं ना, 100% करते हैं, कुछ ही दिनों में कोई नया टूर प्लान कर रहे हैं, तो फिर मिलेंगे हम कुछ ही दिनों के बाद। हमारा एक नया वीडियो आएगा सर के साथ में, तो अभी सर को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, आपको कुछ ही देर में अपडेट करता हूँ कि कहाँ जाऊँगा यहाँ से और कितना क्या क्या हुआ सारा कुछ बताऊँगा। तो अभी सर के बोलते हैं बाय बाय और मिलते हैं कुछ देर के बाद में, बाय बाय। तो गाइस टाइम हो गया 9:40, अब टाइम हो गया आपको बताने का कि इस ट्रिप में कितना पैसा मुझे मिला है, राइडर को कितना चार्ज किया मैंने। सो गाइस राइडर जो थे ना सच में यार बहुत ही मजेदार थे, वो एक एक बात शेयर कर रहे थे मेरे से और एकदम अपने मतलब भाई की तरह मान रहे थे। और खाना वाना मेरे को, मैंने कहा सर मेरा खाना अलग हो जाएगा, लेकिन नहीं हमारे साथ खाओगे हमारे साथ खाओगे। वो सरवणा भवन में भी मेरे को लेके जा रहे थे लेकिन वहां तो मैं नहीं गया, फिर रास्ते में उन्होंने मेरे को अपने साथ बैठा के खाना खिलाया, बहुत ही मजा आया। जो मैम थी वो भी बहुत सारी बातें कर रही थी, सच में यार ऐसी फैमिली के साथ ट्रैवल करके मजा आ जाता है, पैसे चाहे कम मिले लेकिन सर ने पैसे कम नहीं और ज्यादा दे दिए। मैं बताता हूँ कितने दिए, एक तो टोल दोनों तरफ का दे दिया, बोले विक्की तेरे को लॉस नहीं होना चाहिए तुम्हें, तो टोल दोनों तरफ का दे दिया उन्होंने, जितना भी लगा था इधर से वो दे दिया और उसका डबल कर दिया, दोनों तरफ का टोल दे दिया मुझे, चलो वो तो मेरा लग जाएगा। और पैसा जो दिया मुझे 14 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रेट में लेके आया था, उन्होंने कम नहीं करे थे, 14 रुपये के हिसाब से 280 किलोमीटर गाड़ी चल गई इधर। अब बोले अब तुझे, अब तुम ये बताओ तुम्हारी दिल्ली तक गाड़ी कितनी चलेगी, तो मैंने सीपी कनॉट प्लेस डाला यहाँ से आगरा से, तो यहाँ से दिखा रहा 220 किलोमीटर, तो टोटल 280 वो और 220 ये 500 किलोमीटर हो गई, 500 किलोमीटर को इन्हें 14 से कैलकुलेट करा तो 7000 का बिल बना टोटल, 7000 का। बोले टोल टैक्स तो तू अलग रख ले अपना, टोल टैक्स तुम अलग रख लो अपना, और अब बताओ तुम्हारा फेयर कितना बन रहा है, तो फेयर बना 7000, तो उनने मेरे को दिए 7400 रुपये, मतलब उनने दिए मेरे को, टोल का बन रहा था मेरा उनकी तरफ निकल रहा था 600 रुपये, तो उन्होंने मेरे को 8000 रुपये दे दिए, मतलब 7400 रुपये दिए, 7000 के 7400 दे दिए, मतलब 400 रुपये की टिप दे दी उनने मुझे, अगर सीधा सीधा फंटा बताऊं तो 400 रुपये उनने मुझे एक्स्ट्रा दे दिए। एक तो पूरे दिन कुछ कुछ खिलाते रहे, पानी की बोतल भी कह रहा है कि तुम ये वाला पानी पियो, मैंने कहा सर मेरा वाटर कूलर में है मैं वो पी लूंगा, मेरी बोतल में है, बोले नहीं नहीं यार ये पियो। उनने पूरी कैन मतलब 20 बोतल की पूरी क्रेट खरीद रखी थी पानी की, क्योंकि उन्हें पानी सूट नहीं कर रहा था ना यहाँ का, वो साउथ इंडिया से थे बेंगलुरु से। तो सच में बहुत मजा आया सर के साथ में, और सर ने मेरे को 400 की टिप दी है, वो मेरी मेहनत, बोले विक्की तुम्हारे साथ हमें बहुत ही बढ़िया लगा, वो तो बता रखा है मैंने, दोबारा क्या बताना, सच में मजा आ गया सर के साथ में। तो इसमें मेरा खर्चा कितना होगा वो मैं बता देता हूँ, सोच खर्चा होगा जो इसमें मेरा वो 7000 रुपये में तकरीबन 500 किलोमीटर में मान लो 1500-1700 की गैस लगेगी, अरे 2000 की गैस लगा लो, 2000 की गैस निकाल दो इसमें से, तो बाकी का जो पैसा बचेगा उसमें मेरी ईएमआई, मेरी सैलरी, मेरा सारा प्रॉफिट, गाड़ी का मेंटेनेंस सारा कुछ उसी में रहेगा। आप कैलकुलेट कर लो, आप भी कैलकुलेट करा करो, मेरे से मत पूछा करो कि आप टोटल बताओ, देखो टोटल मैं नहीं बता सकता, मैं तो आपको अप्रॉक्स एस्टिमेट बता सकता हूँ, है ना। तो 7000 में से आप 2000 की सीएनजी निकाल दो, बाकी का जो रह गया उसमें गाड़ी की ईएमआई, मेरी सैलरी और गाड़ी का प्रॉफिट, 2 दिन पहले से काम नहीं मिल रहा है, 2 दिन बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारा कुछ इसी में लगा लो आप, तो ये हो गई वो। और बाकी 400 रुपये तो मुझे खाने पीने को दे दिया उन्होंने टिप के तौर पे, वो तो मैं धुआं में उड़ा दूंगा। कोक पी लूंगा, खाना खा लूंगा रास्ते में ऐसे करके, सच में मजा आ गया। सो गाइस आप ब्लॉग है ये वाला आराम से एडिट करूंगा, सुबह को डालूंगा ना, और शाम को डालता हूं तो बहुत जल्दी जल्दी रहती है कि अभी करना है, अभी डालना, अभी डालना, अभी डालना, फटाफट एडिट करता हूं, बहुत दिक्कत हो जाती है। अब आराम से एडिट करके पूरी रात में सुबह मॉर्निंग में 8 बजे मिलेगा आपको। सो गाइस हर दिन 8 बजे मिलेगा, अब शेड्यूल मैंने चेंज कर दिया है, अब हर दिन 8 बजे मिलेगा। तो गाइस ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस लास्ट में यही बोलूंगा, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग हर दिन सुबह 8 बजे, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।